दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, ट्राई का नया डीटीएच कानून जब से आया तब से दोस्तों यहां पे आपके जो बिल है वो बढ़ चुके हैं। और ये चीज दोस्तों ट्राई ने भी एडमिट कर ली। मैंने एक वीडियो आपको बना के बताया था जहां पे ट्राई ने एक्सेप्ट किया है कि लोगों के मंथली बिल्स डीटीएच बिल कम होने की जगह बढ़ चुके हैं। तो दोस्तों यहां पे बड़े बड़े कदम यहां पे लिए जा रहे हैं। आर एस शर्मा जो दोस्तों ट्राई के चेयरमैन है वो कुछ नया कोशिश कर रहे हैं यहां पे। और आज दोस्तों एक बड़ा स्टेप यहां पे लिया है। वो कौन सा स्टेप है, किस तरह से दोस्तों आपके बिल कम होने वाले हैं, उसके बारे में जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो प्लीज बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोनील फ्रेंड्स। सब्सक्राइब करें हमारे टेक्नोनील चैनल को और उसके पास ही घंटी का बटन दिखता है उसे जरूर दबा दीजिए हमारे आने वाले नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, ट्राई का नया डीटीएच कानून आने के बाद सारी चीजें ट्रांसपेरेंट वे में तो हुई है, लेकिन उसके साथ साथ आपके जो बिल है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। फ्रेंड जो 200 रुपए में आपको चीज मिलती थी वो आपको 300-350 में मिलने लगी। ये चीजें दोस्तों मेरे हजारों सब्सक्राइबर ने मुझे बताया और ये एक्चुअल में फैक्ट है दोस्तों, सही बात है। पहले दोस्तों ट्राई इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, लेकिन लास्ट में जो कि जाके उनको पता चला कि सही मायनों में, क्योंकि हजारों लाखों कंप्लेंट्स गई तो उन्हें भी दोस्तों ये पता चल गया कि जो बिल थे वो बढ़ चुके हैं भी। उसके बहुत सारे रीजन है। सबसे बड़ा रीजन जो मुझे लगता है दोस्तों वो है नेटवर्क कैपेसिटी फीस। यस दोस्तों 153 रुपए, 130 प्लस उस पे 18% जीएसटी, 153 रुपए जो आपको हर महीने देना होता है उसके हिसाब से आपका जो बिल है ऑलमोस्ट दोस्तों डबल हो जाता है। ये चीज मुझे लगी दोस्तों, डेफिनेटली आपको भी लगता ही होगा। यहां पे दोस्तों अगर ट्राई की बात कर ली जाए तो ट्राई ने दोस्तों इसके लिए पॉजिटिव कदम उठाने शुरू कर दिए। मैंने आपको बताया दोस्तों पिछले अगर कुछ दिनों की बात कर ली जाए तो ट्राई के चेयरमैन ने दोस्तों अग्रेसिवली इस चीज के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले दोस्तों उन्होंने ब्रॉडकास्टर के साथ मिले जहां पे कलर्स था, सोनी था, जी था, स्टार था, इन सभी से मिलकर दोस्तों बात की कि आप या तो अपने जो बुक है उसके रेट्स कम कर दिए, चैनल्स के रेट करिए, और आप अपने कुछ चैनल्स को फ्री टू एयर कर दीजिए, जिससे क्या होगा लोगों को चैनल लेने इजी हो जाएंगे, पैकेज थोड़े सस्ते हो जाएंगे और इससे लोगों की दोस्तों यहां पे रीच में सारे चैनल्स आ जाएंगे। इन सारे ब्रॉडकास्टर्स को बोला और उसके बाद इनमें से कुछ ब्रॉडकास्टर ने अपने कुछ-कुछ पैकेजेस के रेट कम भी किए, जो एक अच्छा इनिशिएटिव है। उसके बाद दोस्तों यहां पे ट्राई के चेयरमैन ने दोस्तों डीटीएच ऑपरेटर्स और केबल टीवी वालों से दोस्तों बात की, उनको यहां पे बताया कि आप यहां पे जो नेटवर्क कैपेसिटी फीस है उसको आप या तो 50 रुपए कर दीजिए या तो 75 रुपए कर दीजिए, अगर आप कर सकते हैं तो। फोर्स नहीं किया दोस्तों, लेकिन उनसे यह बात की, रिक्वेस्ट की कि नेटवर्क कैपेसिटी भी इसको 50 या 75 रुपए कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों अभी कोई रिपोर्ट तो नया आया नहीं है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम के बाद दोस्तों कुछ दिनों के अंदर हो सकता है कि नेटवर्क कैपेसिटी फीस में एक बड़ा चेंज देखने को मिले। इसके साथ साथ दोस्तों उन्होंने ये भी बोला था कि हम अगर ये नहीं हो पाता तो हम कानून के अंदर बड़े बदलाव करेंगे। अब दोस्तों एक नया अपडेट आज निकल के आया कि ट्राई के चेयरमैन ने दोस्तों यहां पे एक टीम बनाई है और वो टीम दोस्तों क्या करेगी, क्योंकि ट्राई ने दोस्तों एक चीज तो एडमिट कर ली कि हमने जो कानून बनाया था जिस उद्देश्य से बनाया था वो उस पर खरा बिल्कुल भी नहीं उतरा, क्योंकि ट्राई ये चाहता था कि ट्रांसपेरेंट वे में सारी चीजें हो। पहले ऐसा हुआ करता था कि 200 रुपए में आपको बिना काम के सारे चैनल दे दिए जाते थे, 20 चैनल आप देखते थे, 80 चैनल नहीं देखते तो सारे पैसे देने पड़ते थे। ट्राई ने यह चीज कर दी कि आप जो चैनल देखेंगे उसका पैसा होगा, लेकिन ट्राई को यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि इससे रेट्स बढ़ जाते हैं और जो नेटवर्क कैपेसिटी फीस है, जो बुके के रेट्स हैं, अलग अलग ब्रॉडकास्टर्स के अलग अलग पैकेज है, सबको अगर आप लेने जाते तो आपका पैकेज का रेट पहले से डबल हो जाता। पहले ऐसा नहीं था, पहले आप एक सिंगल फीस देते थे उसमें आपको सारे के सारे चैनल्स मिल जाते थे। लेकिन दोस्तों ये सारी चीजें धीरे धीरे उन्हें समझ में आ रही है। लेकिन दोस्तों ट्राई ने एक बड़ा फैसला लिया, ट्राई ने एक पूरी टीम बनाई है, जो टीम दोस्तों आप तक जाएगी, घर घर तक जाएगी और वहां पे जो सर्वे करेगी, उनसे बात करेगी, फीडबैक्स लेगी, उनसे पूछेगी कि क्या आपका पहले मंथली बिल कितना आता था, अब आपका मंथली बिल कितना आता, कौन कौन से चैनल देखते थे, कौन कौन से बुके देखते हैं, बुके आपको महंगे पड़ रहे हैं, सस्ते पड़ रहे हैं, एनएफसी जो है दोस्तों नेटवर्क कैपेसिटी फीस, उससे रिलेटेड आपके लिए क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए आपके लिए क्या सुझाव है, वो सारे सुझाव अब जाके पब्लिक से मांगे जाएंगे। इन द एंड दोस्तों ये सारी चीजें अब हो रही है, कस्टमर सेंट्रिक हो रही है, अब आपसे पूछा जाएगा आपके एरिया में, आपकी सिटी में, आपके घर पे दोस्तों आके उनकी टीम आपसे पूछेगी कि कौन कौन से रेट्स हैं और क्या चाहते हैं आप इस जो नया कानून है दोस्तों, इसमें कौन सी ऐसी चीजें जिसमें आप बदलाव चाहते हैं, कौन सी ऐसी चीजें जो आपको अच्छी लगी, मतलब अब पब्लिक से फीडबैक मांगा जाएगा। उसके साथ साथ पैरेलली दोस्तों उनकी पैरेलली मीटिंग्स तो चल रही, डीटीएच ऑपरेटर्स और जितने ब्रॉडकास्टर्स हैं उनकी तो बातें चल रही रेट्स कम करने के लिए। लेकिन दोस्तों अब बड़े चेंजेस होने लगने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम में कुछ महीनों में या तो कुछ वीक्स के अंदर आपको बड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। सबसे बड़ी चीज जो मुझे यहां पे दुखती है, क्योंकि यहां पे हजारों सब्सक्राइबर मुझे ये बोलते हैं कि सर नेटवर्क कैपेसिटी फीस में बड़े चेंजेस होने चाहिए, अगर दोस्तों ऐसा हो जाता है मैं तो बोलता हूं कि नेटवर्क कैपेसिटी फीस हटाई दे दी चाहिए, लेकिन अगर हटा नहीं सकते तो उसको 25 या 50 रुपए कर दीजिए, उससे क्या होगा दोस्तों आपको कम से कम 100 रुपए का यहां पे फायदा होने वाला था। अगर 100 रुपए आपके बजट में से, आपके पैकेज में से कम होते हैं तो डेफिनेटली आपका जो बिल है वो ऑलमोस्ट सही सही लेवल पे आ जाएगा। तो फ्रेंड्स मुझे बताइए कि आप पहले डीटीएच जो नया टायर का नियम आया उससे पहले आपका मंथली बिल कितना आता था,
कोर्ट ट्राय के नए नियम आने के बाद आपका मंथली बिल कितना आता है, मुझे ये भी बताइए दोस्तों। आप क्या सजेशन देना चाहेंगे ट्राय को कि किस तरह की चीजें होनी चाहिए, ट्राय के नए नियम में कौन कौन से बदलाव होने चाहिए, नेटवर्क कैपेसिटी भी हटा देनी चाहिए या जो बुके हैं या चैनल्स के रेट आधे कर देने चाहिए, फ्री कर देने चाहिए, क्या कर देने चाहिए। क्योंकि एक जो मेरे सब्सक्राइबर थे कल जब मैं लाइव आया था दोस्तों संडे को, तो मुझे एक सब्सक्राइबर ने एक बढ़िया चीज बताई कि सारे चैनल्स फ्री कर देने चाहिए। यस दोस्तों, सारे चैनल्स फ्री कर देने चाहिए क्योंकि जितने ब्रॉडकास्टर्स हैं वो एडवर्टाइजमेंट से पैसे कमा लेंगे, तो सारे चैनल्स फ्री कर देने चाहिए। एक सुझाव तो दोस्तों अच्छा, अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत बड़ा तहलका हो जाएगा, मतलब चैनल्स फ्री पॉसिबल नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के सुझाव भी ट्राई के पास जाने चाहिए। तो दोस्तों ये था एक एक्सक्लूसिव वीडियो जहां पे ट्राई ने दोस्तों एक नई टीम बनाई है जो आप लोगों के पास आएगी, आपसे पूछेगी कि क्या बदलाव हमें करने चाहिए। तो एक अच्छा दोस्तों यहां पे फीडबैक, एक अच्छी इनिशिएटिव है ट्राई की तरफ से। तो दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज एक थम्स अप जरूर दे देना, आपके भाई का चैनल है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, उनको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। पहली बार हमारे चैनल पे हैं फ्रेंड्स, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो नीचे आपको लाल कलर का बटन दिखेगा, उसको सब्सक्राइब का बटन बोलते हैं, उसको दबा दबा के तोड़ दीजिए। उसको दबाने से आप हमारी छोटी सी टेक्नोनील फैमिली के वीआईपी मेंबर बन जाएंगे। उसके पास ही दिखेगा एक घंटी का बटन, उसको जोर दबा देना। उसको दबाने से जब भी मैं एक नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको मिल जाएगा इसका नोटिफिकेशन, सबसे पहले आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई ब्रेकिंग न्यूज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।